नमस्कार, यूपीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। विदिशा ब्यूरो चीफ रणधीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों का किया गया टीकाकरण। देश भर में आज 3 जनवरी 2022 दिन सोमवार को 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण लगने की शुरुआत की गई। इसी के साथ गंज बांसोदा कुरवाई नटेरन ग्यारसपुर में भी सभी सरकारी स्कूलों में टीकाकरण की शुरुआत की गई। स्कूली बच्चों को टीका लगवाने की व्यवस्था स्कूल में ही शासन द्वारा की गई। टीकाकरण सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किया गया। स्कूली बच्चों को पहला डोज वैक्सीन के रूप में दिया गया। स्कूली बच्चों में वैक्सीनेशन के प्रति काफी उत्साह देखा गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलग अलग सरकारी स्कूलों में बनाई गई टीमों ने वैक्सीनेशन करवाया। कई स्कूलों में क्रमबद्ध तरीके से बच्चों ने अपना पंजीवत कराया और पंजीयन के बाद टीकाकरण करवाया। वैक्सीनेशन के समय स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्कूल प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद रही। तो वहीं कुरवाई विधायक हरी सिंह सप्रे कुरवाई BMO श्रीवास्तव बासोदा से डॉक्टर प्रमोद दीवान ने बताया कि बच्चों को अगर सर्दी खांसी है तो उन्हें 2-3 दिन बाद वैक्सीन लगाने BMO राजीव गांधी ने सलाह दी। बच्चों को वैक्सीनेशन का क्या आपकी तरफ से हॉस्पिटल की तरफ से रहा? जो हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ महाभियान 15 से 18 साल के बच्चों का था। हमने 3-4 दिन पहले ही सारे स्कूलों में जो लिस्ट मंगा ली गई थी कि हमारे टोटल बच्चे कितने हैं, उन्होंने जो बच्चों के आधार पर जो बच्चे उन्होंने दिए थे लगभग 13,500 कुछ बच्चे थे। उनके मैं बता दें एग्जैक्टली बता देता हूँ, 13,736 बच्चों की लिस्ट आई थी मेरे पास। तो हमने 3 तारीख का जो आज का जो सेशन रखा था उस सेशन में हमारे 10 स्कूल को हमने रखा हुआ था, जिसमें से 4 स्कूल तेवंदा क्षेत्र के थे और 6 हमारे बासोदा के थे। हमारे बासोदा की जो बच्चों का जो हमने टारगेट किया था 200 बच्चों पर एक ANM काम करेगी। तो टीकाकरण चल रहा है, जहाँ से भी शाम को 4 बजे तक फाइनल होता है फिर हमको ये एग्जैक्ट पता चलेगा कि टोटल कितने बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। कौन से दिन नहीं लगेगी, कौन से दिन लगेगी? हमारा मंगलवार और शुक्रवार को रूटीन डे रहता है जिसमें वैक्सीनेशन हमारा रूटीन का चलेगा, तो उसमें ये सेशन नहीं लगेंगे। बाकी गुरुवार को शनिवार को ये सेशन लगेगा। बच्चों को कौन सा डोज दिया जा रहा है? ये फ्लू वैक्सीन दिया। ये कुछ बच्चों में ऐसी डर इंजेक्शन के प्रति और ऐसी कुछ देखने को आई के बाद वो मैनेज कर रहे हैं, हम लोग उनको बिठा लेते हैं। दूसरे बच्चों को लगता है, जब 2-4 बच्चों को लगते देख लेते हैं तो उनका डर स्वाभाविक जाता है। कुछ बच्चे तो हैं जो लगी रहे। किसी बच्ची कोई तबियत खराब होने की सूचना नहीं? ऐसी कुछ नहीं। भारत माता कॉन्वेंट में एक बच्ची को थोड़ा सा सर्दी लग गई थी डर के कारण, क्योंकि मैं वहीं था, उपस्थित था, वहाँ मैनेज हो गया। अरे सर, वैक्सीन लगने के पहले लगवाने व्यक्ति में क्या देखा जाता है, उसके स्वास्थ्य देखा जाता है? हम लोग पहले ही हमने टीचर्स को एक प्लान भेजा था, जो हमने सूचना दी थी उनको ये पहले ही कन्वे कर दिया था कि जितने भी बच्चे हैं उनको मैसेज किया जाए कि वो नाश्ता नहीं खाना खा के आए। बाकी हम पूछ लेते हैं उनसे कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार ना हो, अगर वो है तो 2-4 दिन बाद लगवा लीजिए, बाकी सबको लगता है।